थाना अजगैन के गांव महतवानी की रहने वाली कांति लगा रही है पुलिस के चक्कर। दरअसल गांव के ही मनोज, मल्लू, ऋषि और अनुराग ने कांति के 13 वर्षीय पुत्र मंजीत पर उनके आम के बाग से आम चुराने का आरोप लगा दिया। वहीं जब मां बेटे ने इसका विरोध किया तो दोनों की जमकर कुटाई कर दी। फिर क्या था, पूरे गाँव के सामने दोनों माँ बेटे की हो गई बेइज्जती। दोनों फूट फूट कर खूब रोए और प्रार्थना पत्र लेकर पहुंच गए अजगैन थाने। पुलिस ने प्रार्थना पत्र तो ले लिया, मौके पर मुआयना कराने के लिए दो सिपाही भी भेज दिए। जब सिपाही गांव पहुंचे तो इन माँ बेटे के फटे हालात देखे और विरोधी पार्टी के घर जाकर चाय पी। फिर क्या, कार्रवाई हो गई टाटा फेस। गाँव वालों के साथ साथ उन दबंगों ने भी इन माँ बेटों का खूब मजाक बनाया। फिर भी हार न मानते हुए दोनों ने पुलिस कप्तान से मिलकर अपना आज दुखड़ा सुनाया। अब देखना है कि जिले के पुलिस आला अधिकारी उन दबंगों को कैसे सबक सिखाते हैं। आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। कहां से आए आप लोग? अजगैन से आए। क्या है पूरा मामला? क्यों कप्तान साहब के ऑफिस क्यों आना पड़ा, क्या हुआ है? सुनवाई नहीं हो रही थाने में, इसीलिए हमको यहाँ थाना अधिकारी में सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही, एक दिन गए हैं, दोबारा नहीं कोई गए हमारे दरवाजे। क्या हो गया था? मारपीट मैंने, मतलब बहुत मारा है हमको। किसने मारा आपको? नाम बताओ। मनोज नाम है और मल्लू, ऋषि, अनुराग, चार लोग। चार लोगों ने मारा है, क्यों मारा है? यही चोरी का इल्जाम लगाया हमारे पर, अम्बिया टूटने का, दूसरे की बात की अम्बिया टूटेगी, हमें मारा है। मैं हूँ, इनका कोई नफा नुकसान नहीं हुआ, ये फिर भी नहीं मारा, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। अम्बिया तोड़ने का झूठा आरोप लगाया और फिर मारा आप लोग? हाँ, इनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। दूसरे का नुकसान हुआ लेकिन इनका नहीं है। इनसे यही पूछिए कि इनका क्या हुआ है नुकसान, किस लिए मारा है? चोट आई आप लोगों को? चोट हमारे सर पे है, पटक पटक के मारा है इसने, बार पटक के कुमार नोच डाला है सबारे बार तो बार। अच्छा अच्छा, तो थाना अजगैन गई थी आप? थाना अजगैन गए रहे, नहीं कोई सुनवाई हो गई। एप्लीकेशन दिया था आपने? अब एप्लीकेशन सब लगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कांति। कांति, बेटा आपका क्या नाम है? मंजीत। मंजीत, देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक।